ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नूरपुर में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि अपहरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद एकल अभियान बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। नूरपुर के बोर्ड में विश्व हिंदू परिषद द्वारा धर्म रक्षा निधि अर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संगठन मंत्री विनायक राव देशपांडे मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से विश्व हिंदू परिषद एकल अभियान और बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख सभ्य लोटिया ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज से धर्म रक्षा निधि इकट्ठे करता है। इस धन से संगठन का कार्य चलता है, जो कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और हिंदू भावनाएं अहित ना हो ऐसी जगह पर इस धन का उपयोग किया जाता है। एकल विद्यालय संभाग प्रशिक्षण प्रमुख सुनीता देवी ने बताया कि एकल अभियान का जो कार्य है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में चल रहा है। नूरपुर भाग में 1290 विद्यालय चल रहे हैं। ये विद्यालय छोटे छोटे गांव में चल रहे हैं। गांव में बच्चे को 5 गतिविधियों का काम सिखाते हैं। पहले बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, जो कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उन्हें प्राथमिकता के तौर पर शिक्षा दी जाती है। बाकी 4 गतिविधियां अपने गांव के लिए दी जाती हैं। नूरपुर भाग में जो 1290 विद्यालय चल रहे हैं, उनका पूरा का पूरा कार्य एकल के माध्यम से ही चल रहा है। पर विश्व हिंदू परिषद पूरे समाज से धर्म रक्षा अर्पण निधि जो है वो इकट्ठी करता है और इस धन से जो है वो संगठन का कार्य चलता है, जो कि हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदू समाज को जागृत करने के लिए और हिंदू भावनाएं जो है वो अहित ना हो कहीं भी ऐसी जगह वो इस धन का उपयोग करता है।